Dear students, today's topic is measuring temperature. Tapakram mapana. You have seen that solids, liquids and gases expand on heating. आप देख चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस गर्म करने पर फैलते हैं. The hotter an object is, the more it expands. ज्यादा गर्म वस्तु ज्यादा यह फैलता है. Therefore, one of the ways of mercury temperature is to measure the expansion of solids, liquids or gases. अतः तापक्रम मापने के तरीकों में से एक तरीका ठोस, द्रव और गैस के फैलाव को मापना है. However, solids expand very little. While in gases, the expansion is very high. फिर भी ठोस बहुत थोड़ा फैलते हैं, जबकि गैसों में बहुत ज्यादा फैलाव है. Therefore, in order to measure temperature, we usually measure expansion in liquids. अतः तापक्रम मापने के क्रम में सामान्यतः हम लोग द्रव में फैलाव मापते हैं. The instrument used to measure temperature is called thermometer. तापक्रम मापने को इस्तेमाल किया गया यंत्र थर्मोमीटर कहलाता है. The principle used in thermometers is the same as that of the apparatus used to observe expansion in liquids. थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया गया सिद्धांत उस उपकरण के समान है जिसका उपयोग द्रवों में फैलाव के अवलोकन के लिए किया जाता है. द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, प्रयोगशाला तापमापी. द थर्मोमीटर्स अवेलेबल इन द लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब filled at one end with a bulb filled with a liquid at the other end. प्रयोगशाला में उपलब्ध थर्मोमीटर एक लंबी पतली शीशे की बराबर नली से बने होते हैं, जिसका एक छोर बंद होता है, दूसरा छोर द्रव से भरा एक बल्ब होता है. The most commonly used liquid in is mercury. सर्वाधिक मर्क्यूरी द्रव इस्तेमाल किया जाता है. ए शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के बाहर से चमकता हुआ मर्क्यूरी की पतली धागा नुमा लकीर देखा जा सकता है. एज द टेम्परेचर राइजेज द मर्क्यूरी इन द बल्ब एक्सपेंड्स and rises into the thin tube called the stem of the thermometer. जैसे ही तापक्रम बढ़ता है, बल्ब में मर्क्यूरी फैलता है और थर्मोमीटर के पतली नली में बढ़ता है. The stem is marked in degree Celsius or degree Fahrenheit. Stem degree Celsius या degree Fahrenheit में अंकित रहता है. The height of the liquid in the stem gives the reading of temperature. स्टीम में द्रव की ऊंचाई तापक्रम का पठन देता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर विथ वेरियस रेंजेज आर अवेलेबल. तापक्रम की विभिन्न सीमा वाले लेबोरेटरी थर्मोमीटर उपलब्ध हैं. द कॉमनली यूज थर्मोमीटर meters have a range from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक तापक्रम विस्तार -10 degree Celsius से 110 degree Celsius है. The bigger Mars normally read 1 degree Celsius. सामान्य रूप से बड़े चिन्ह 1 degree Celsius पढ़े जाते हैं.
If there are five divisions between the bigger mass, each small division reads 1/5 of a degree or 0.2 degree Celsius. यदि बड़े चिन्हों के बीच पांच डिवीजन है, प्रत्येक छोटा डिवीजन एक डिग्री का 1/5 या 0.2 डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। वाइल मेजरिंग टेम्परेचर विथ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व्ड। एक प्रयोगशाला तापक्रम मापी से जब तापक्रम मापा जाता है, निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, द थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। इस्तेमाल करने के पहले और बाद में थर्मामीटर को धोना चाहिए। ए थर्मोमीटर इज डेलिकेट एंड शुड बी हैंडल विद केयर टू अवॉइड ब्रेकेज। एक तापक्रम मापी कोमल होता है, नाजुक होता है, और उसे टूटने से बचाने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इट शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं, टेम्परेचर पढ़ते समय हम लोगों को उसके बल्ब को नहीं, उसकी घुंडी को नहीं पकड़ना चाहिए। इट शुड बी केप्ट अपराइट एंड नॉट टिल्टेड। और इसको सीधा रखना चाहिए, झुका हुआ नहीं। द बल्ब शुड बी कंप्लीटली सराउंडेड बाय द सब्सटेंस व्हिच टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड एंड द बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स ऑफ दैट कंटेनर। ये बल्ब जो है टेम्परेचर जब ले रहे हैं और जिसका लेना है, उस चीज की इस घुंडी की घुंडी जो है उस चीज से पूर्णतः घिरा होना चाहिए, यानी कि जिस चीज का टेम्परेचर हमको लेना है उसके बीच में घुंडी होनी चाहिए और उस घुंडी के चारों ओर वो वस्तु होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए जिसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस वस्तु का हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कंटेनर जिसमें रखे हुए हैं लिक्विड या कुछ, तो उसमें के बॉडी से टच, उसके किनारे से छूना नहीं चाहिए। व्हाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द लेवल ऑफ मर्करी शुड बी एट द सेम लेवल एज आई। जब हम लोग तापक्रम मापी का पार्ट रीडिंग कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर, उसमें तो हमारे आंख के बराबर में मर्क्यूरी का लेवल होना चाहिए। नाउ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, प्रायोगिक जांच, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, एक गर्म पानी का तापक्रम मापना। तो एक बीकर में पानी ले लीजिए और लेने के बाद उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी में डुबाइए, उसके बल्ब को, घुंडी को, और उसके किनारे, बीकर के किनारे में घुंडी थर्मामीटर की, लेबोरेटरी थर्मामीटर की टच ना करें, इसलिए उसे अलग रखिए। और हम लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि मरकरी का धागा जो है स्थिर नहीं हो जाता है। स्थिर होने तक इंतजार करेंगे और तब थर्मामीटर जो है का रीडिंग हम लोग लेंगे, और वो अभी भी उसी तरह से पानी में डूबा रहता है। और उसके बाद थर्मामीटर को निकाल करके और तब पानी से बाहर निकाल लेते हैं और तब उसका फिर देखते हैं, अवलोकन करते हैं कि जो मर्करी का लेवल था वो स्टीम में फिर उसको वो कैसा है, और अवलोकन करते हैं कि उसका लेवल कैसा है।
देखा है मरकरी का निकालने के बाद पानी से कि क्या वह नीचे की ओर घिसकता है अपने से कि वहीं पर आ जाता है, इसका अवलोकन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है एक्टिविटी नंबर 7 में, ये मरकरी जो है ये बहुत सूक्ष्म या कम तापक्रम को मेजर नहीं कर पाता है, मापने के लिए मरकरी का इस्तेमाल कम, वेरी लो टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इसके बदले में अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा इसलिए कि वो तुरंत अपना एक्सपेंशन कर जाए, कर जाता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर में अंतर आएगा तो वो एक्सपेंड करके और ट्यूब में राइज करेगा, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। और अल्कोहल चूंकि कलरलेस, उसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए उसमें थोड़ा सा रंग मिला दिया जाता है ताकि वो रीडिंग करने के समय दिखाई दे और हम पढ़ सकें। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड हियर, थैंक्स।